गुड आफ्टरनून एवरी वन वंस अगेन आई एम जहांगीर तड़वी टुडे वी आर स्टडिंग फार्माकोडायनेमिक्स फार्माकोडायनेमिक मीन्स वॉट द ड्रग डस्ट टू द बॉडी द अदर डेफिनेशन ऑफ द फार्माकोडायनेमिक मीन्स फार्माडायनेमिक इंक्लूड्स द फिजियोलॉजिकल एंड बायोकेमिकल इफेक्ट्स ऑफ द ड्रग एंड देयर मैकेनिजम ऑफ एक्शन एट ऑर्गन सबसेलुलर एंड सेलुलर लेवर मीन जब फार्माको एक ऐसी स्टडी है ड्रग की जिसमें ड्रग को एडमिनिस्टर करने के बाद में ये जो अपनी बॉडी के सेल्स के साथ में जो इंटरेक्शन करती है उस स्टडी को बोलते हैं फार्माकोडिक्स नाउ प्रिंसिपल्स ऑफ द ड्रग एक्शन क्योंकि फार्माको में प्रिंसिपल्स ऑफ द ड्रग एक्शन एज वेल एज मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन इंक्लूडेड है ड्रग्स विच इम्पार्ट विच डज नॉट इम्पार्ट न्यू फंक्शन ऑन एनी सिस्टम द ड्रग्स जस्ट ओनली अल्टर द पेस और ऑन गो इन एक्टिविटी और फिजिलॉजी ऑफ द अल्टर्ड फिजियोलॉजी ऑफ द इन ऑर्गन मीन जो ड्रग है वो जो ड्रग किसी भी ऑर्गन की फिजिजी को चेंज नहीं करती है जस्ट ओनली जो अल्टर्ड फिजिजी है जो डिजीज कंडीशन वाली फिजिजी उसको चेंज करती है द बेसिक टाइप ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ द ड्रग एक्शंस आर स्टिमुलेशन डिप्रेशन इरीटेशन रिप्लेसमेंट एंड साइटोटॉक्सिक एक्शन फर्स्ट ऑफ ऑल स्टिमुलेशन विच इज़ द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ द ड्रग एक्शन स्टमेशन मीन्स द ड्रग इन्हेंस दिलेक्ट सेलेक्टिव एक्टिविटी ऑफ द स्पेशाइज सेल्स किसी भी स्पेशल सेल्स के ऊपर जब ड्रग एक्शन करती है स्टिमुलेशन के प्रिंसिपल बेस्ट तो वो उस स्पेसिफिक सेल्स की एक्टिविटी को इनहेंस कर देती है फॉर एग्जाम्पल एड्रन स्टमलेट द हार्ट पिलोकार्पिन स्टमलेज द स्लाइवरी ग्लैंड ये कुछ ऐसी ड्रग्स है जो स्पेसिफिक सेल्स को स्टमलेट करती है और इनका जो प्रिंसी ड्रग के एक्शन का प्रिंसिपल है वो स्टिमुलेशन है नौ नेक्स्ट वन इज द डिप्रेशन डिप्रेशन मीन्स सेलेक्टिव डिमिनिशन ऑफ एक्टिविटी ऑफ स्पेशलाइज्ड सेल किसी स्पेसिफिक सेल्स के एक्टिविटी को डिमिनी डिमिनाइज uh, करना मीन्स उसके एक्टिविटी को सप्रेस करना ये प्रिंसिपल है डिप्रेशन का अब जो ड्रग है फॉर एग्जाम्पल बारबिचरेट्स वो सी को डिप्रेस करके अपना uh, फिजो थेरापेटिक uh, इफेक्ट देती है क्यूनिडीन हार्ट को डिप्रेस करती है और ओमिप्राजोल गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशन को डिप्रेस करती है लाइक दैट नेक्स्ट प्रिंसिपल ऑफ ड्रग एक्शन इज द इिटेशन इरीटेशन मीन्स नॉन सेलेक्ट नॉन सेलेक्टिव और लेस स्पेशलाइज सेल्स के ऊपर जो होती है जो ड्रग उसमें इरीटेशन कॉज करती है अगर स्ट्रॉन्ग इरीटेशन होता है तो विच कैन लीज टू द इन्फ्लामेशन कोरोजन नेक्रोसिस एंड फाइनली मॉर्फोलॉजिकल डैमेज एक सेलेक्टिव और एक ऑप्टिमम लेवल पे ड्रग में इरिटेशन वाला एक्शन प्रिंस एक्शन करना चाहिए अगर वो ज़्यादा इरिटेशन कॉज करता है तो जिससे इन्फ्लामेशन हो सकता है उसके बाद में कोरोजन हो सकता है नाइक्रोसिस हो सकता है मीन सेल डैमेज और उसके साथ में मॉर्फोलॉजिकल डैमेज हो जाता है और नेक्स्ट इज द रिप्लेसमेंट नेक्स्ट प्रिंसिपल ऑफ ड्रग एक्शन इज़ द रिप्लेसमेंट रिप्लेसमेंट वाला एक ऐसी ड्रग थेरेपी है जिसमें कि डिफिशियंसी वाली स्टेट्स में जब डिफिशियंसी होती है हमारी बॉडी में तब रिप्लेसमेंट थेरेपी को यूज़ किया जाता है रिप्लेसमेंट हारमोनस हो सकता है मेटाबोलाइट्स का हो सकता है या फिर हमारे जो विटामिनस या मिनरल्स होते हैं उसमें रिप्लेसमेंट थेरेपी यूज़ की जाती है फॉर एग्ज़ाम्पल पार्किसोन डिजो पार्किसोन डिजीज में डोपामिन का लेवल लो हो जाता है डोपामिन लेवल डोपामिन की डिफिशियंसी होती है इसलिए हम लियोडोपा यूज़ करते हैं डायबिटीज मेलाइटिस में इंसुलिन को एज ए रिप्लेसमेंट यूज किया जाता है और एनिमाई की कंडीशन में आयरन डिफिशियंसी होती है इसलिए हम आयरन सप्लीमेंटेशन देते हैं नॉ नेक्स्ट वन इज द साइटोटॉक्सिक एक्शन साइटोटॉक्सिक एक्शन मीन्स ऐसी ड्रग्स जो किसी सेल्स के लिए टॉक्सिक इफेक्ट इंड्यूस करती है हम उसको बोलते हैं साइडोटॉक्सिक एक्शन ऑफ द ड्रग अब जब पैरासाइट्स होते हैं मीन्स ऐसे माइक्रो ऑर्गनिज्म जो हमारे बॉडी के लिए आ, डेंजर होते हैं जिनको हम पैथोजेंस बोलते हैं उनको किल करने के लिए हम एंटीबायोटिक्स यूज करते हैं वो जो साइडोटॉक्सिक एक्शन के थ्रू उन एंटीबा जो बैक्टीरिया को किल करती है या फिर कैंसर थेरेपी में हम जो ड्रग यूज़ करते हैं वो कैंसर सेल्स को डेंजर किल करती है ये भी जो प्रिंसिपल है साइडोटॉक्सिक एक्शन का है एग्जाम्पल जो एग ड्रग जो साइडोटॉक्सिक एक्शन देती है वो पेनिसलिन क्लोरोविन जिडोविडिन और साइक्लोफॉस्पामाइड है जिसमें से पेनिसिलिन बिटाल एक्टम एंटीबायोटिक्स है और जीडोविडिन एंटीवायरल एंटीबायोटिक है क्लोरोविन जो है तो मलेरिया के ट्रीटमेंट में यूज की जाती है एज अ एंटी एंटीप्रोटोजॉल ड्रग नाउ नेक्स्ट इज द मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन मीन्स ड्रग किस टाइप से अपना एक्शन इ, आ, इम्पार्ट कर रही है तो जो अलग अलग ड्रग होती है अलग अलग टाइप से अपना मेकनअप एक्शन देती है फिजिकल एक्शन केमिकल एक्शन थ्रू द एंजाइम्स या थ्रू द रिसेप्टर्स बहुत कम ऐसी ड्रग्स होती है जो फ़िज़िकल एक्शन या फिर केमिकल एक्शन देती है फिजिकल एक्शन मीन्स ड्रग की जो फिज़िकल प्रॉपर्टी है विच इज़ द रेस्पांसिबल फॉर द ड्रग एक्शन फॉर एग्ज़ाम्पल बर्क लेगजिज ड्रग इज इसबगुला गुलाम विच इम्पार्ट द बर्क लैगजटिव एक्शन लेग्जेटिव एक्शन देती है उसके फिजिकल मास के कारण जब हम ड्रग को एडमिनिस्टर करते हैं इन केस ऑफ डायरिया तो हमारे इंटेस्टाइन में जाकर जो ये सब गुला होता है ये सॉल्वेंट के कांटेक्ट में आकर मीन वाटर के कांटेक्ट में आकर स्वेल हो जाता है और एज अ लेग्जेटिव अपना फंक्शन देता है देन नेक्स्ट वन इज द डायमेथिकॉन डायमेथिकॉन एंड पेट्रोलियम जेली इनका फिजिकल फॉर्म या फिर ऑपिसिटी जो होता है वो रेस्पॉन्सिबल होता है थेरापेटिक इफेक्ट uh, के लिए जो पेट्रोलियम जेली होती है वो ऑपिसिटी का यूज़ करती है ऑपिसिटी मीन्स ऑपिसिटी को रिड्यूस करती है ये और जो डायमेथिकॉन है इसी का जो फिजिकल फॉर्म है वो अपना थेरापेटिक uh, इफेक्ट देने में रेस्पॉन्सिबल है देन पेरामिनोबेंजुएक एसिड विच एब्जॉर्ब ऑफ द यूवी रेज मीन्स हम जिसको जो है पैरामिनोबेंजोक uh, एसिड को एज अ सन क्रीम के फॉर्म में यूज़ करते हैं जो कि यूवी रेज को एब्बॉर्ब कर लेता है देन एक्टिवेटेड चारकोल एड्जॉर्प्टिव प्रॉपर्टी होती है एक्टिविटेड चारकोल के जिसके हम पॉइजनिंग की कंडीशन में यूज़ करते हैं जो पाइजोनस मॉलिक्यूल है वो एक्टिविटेड चारकोल की सरफेस के ऊपर एडेयर हो जाते हैं देन मैनीटोल एंड मैग्नीशियम सल्फेट ऑस्मोटिक एक्टिविटी देते हैं जिसके कारण से हम एज अ डायबिटिक इसको यूज करते हैं देन आयोडी इन वन थर्टी वन एंड अदर रेडियो आइसोटोप्स ये रेडियो एक्टिविटी देते हैं जिसके कारण हम इसको कैंसर थेरेपी में भी यूज़ कर सकते हैं आयोडिन के जो आइसोटोप्स हैं या फिर अदर आइसोटोप्स हैं रेडियो एक्टिविटी के कारण ये सेल्स को डैमेज करने में हेल्प करते हैं आफ्टर द केमिकल एक्शन नेक्स्ट वन इज द सॉरी आफ्टर द फिजिकल एक्शन नेक्स्ट वन इज द केमिकल एक्शन मीन्स केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ द ड्रग इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर द थेरापेटिक इफेक्ट दैट इज कॉल्ड द केमिकल एक्शन लाइक द एंटासिड्स एंटासिड्स क्या रहता है हमारे जो गैस्ट्रिक एसिड होता है उसको न्यूट्रलाइज कर देता है उसके अंदर केमिकल इंटरेक्शन होती है देन पोटेशियम परमेगनेट ये ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी रखता है पोटेशियम परमेग्नेट का जो पाउडर फॉर्म होता है हम किसी भी ओपन उनके ऊपर अगर डालते हैं तो अपर पस फॉर्मेशन को ये इनहिबिट कर देता है कि, कि जो बैक्टीरियल ग्रोथ होती है उसको ये उसका ऑक्सीडाइजन करके उसको किल कर देता है लाइट चिलेटिंग एजेंट है एडी टी और डायमरके एज अ चिलेटिंग एजेंट है ये हैवी मेटल्स के लिए चिलेट फॉर्मेशन करते हैं देन कोले कोलेस्ट्रामाइन ये सिक्वेस्ट्रेशन है बाइल एसिड और कोलेस्ट्रॉल इन द गट का मीन्स क्या करता है ये जो कोलेस्ट्रॉल होता है हमारे गट में वो बाइल एसिड के साथ में उसको सिक्वेस्ट्रिंग कर देगा और उसका जो एब्जॉर्ब्शन होता है उसको ये इनहिबिट करता है नाउ मोस्ट ऑफ द ड्रग जो होता है अपना एक्शन एंजाइमेटिक रिएक्शंस के थ्रू ही आ, अपना अपना एक्शन अपना एक्शन देती है मीन्स जो एंजाइमेटिक रिएक्शन को ये इन्हेंस करेगी या फिर डिक्रीज करेगी फॉर एग्जाम्पल जो एनिसाइडिस क्लास की जो ड्रग है पेरासीटामॉल है एस्पेरिन है डाइक्रोफेनिक है निमेसुलाइड है ये साइक्लोक्सीजनिक इन्हें एंजाइम को इनिबिट करके एंटीपायरेटिक एनालैसिक या एंटी इन्फामेट्री एक्शन देती है उसके बाद में अदर एक्शन ड्रग है कैप्टोप्रिल रामेप्रिल लिसिनोप्रिल ये जो ड्रग होती है हम इनको एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनिबिटर्स बोलते हैं और एज ए एंटीहाइोटेंसिव यूज़ की जाती है क्योंकि एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम को एंजाइम फर्स्ट को एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम सेकेंड में बदलने से ये रोक देती है नाउ नेक्स्ट ओमिप्राजोल ओमिप्राजोल जो होता है तो हाइड्रोजन पोटेशियम ए को इनिबिट करता है जिस कारण से एसिडिटी को रिड्यूस की जाती है और इसी कारण हम ओमिप्राजोल को हम हाइपर एसिडिटी में या फिर इन केस ऑफ गैस्ट्रिक अल्सर में इस ड्रग को यूज़ करते हैं लाइक दैट डाइगोक्सिन विच इनिबिटि सोडियम पोटेशियम एंटीपीज एनजे मीन से जो ड्रग्स हैं एनजाइम्स को इनहीबिट करके अपना थेराेरापेटिक इफेक्ट दे रही है नाउ नेक्स्ट वन इज द ड्रग मैकनीशन ऑफ द ड्रग विच इज बेज ऑन द रिप्टर्स अब सबसे पहले अपन समझते हैं कि रिसेप्टर्स है क्या रिसेप्ट आर द माइक्रोमिलीकूल्स विच बाइंड टू द साइड लोकेट ऑन द सर्फेस ऑफ द सेल्स और इन साइड ऑफ द सेल्स विच इन रिकोगनाइज द सिग्नल मॉलिक्यूल ए इनिशियट द रिस्पॉन्स इट्स सेल्फ एंड नो अदर फंक्शंस मीन्स जो रिसेप्टर से ऐसे प्रोटीनियस माइक्रोमोलिकुल्स हैं जो किसी रिसेप्टर सेल जो सेल्स के साइड पर ये बाइंड होते हैं ड्रग के साथ में बाइंड होकर किसी सेल के साथ में इसको बाइंड कराने में इसको एंटर कराने में हेल्प करते हैं कुछ ड्रग ऐसी होती है जिसका जिसका एक्शन एंजाइम्स चैनल्स ट्रांसपोर्टर या फिर स्ट्रक्चर प्रोटीन के साथ में इसका एक्शन नहीं हो पाता है इसलिए उन ड्रग्स को इन एंजाइम चैनल या फिर ट्रांसपोर्टर स्ट्रक्चर के साथ में बाइंड कराने में जो मॉलिक्यूल यूज होते हैं हम इसको बोलते हैं रिसेप्टर्स अब एग्जाम्पल्स देखते हैं हम रिसेप्टर्स के जैसे हिस्टामिन रिसेप्टर एच वन एस टू रिसेप्टर्स है जिसके जिसके ऊपर वर्क करती है रेनेटेडिन सेट्रेजिन क्लोर फिनारामाइन मेलिएट और फिनाइल एफ्रीन ये जो ड्रग होती है ये हिस्टामाइन ये एंटी हिस्टामाइन ड्रग्स हैं हिस्टामाइन एलर्जी की इफेक्ट देता है इसलिए इन ड्रग को हम यूज़ करते हैं इस हिस्टामाइन को इनहिबिट करने के लिए अब ये जो हिस्टामाइन को इनहिबिट करने के लिए इनके जो रिसेप्टर है एच वन और एच टू रिसप्टर को इनहिबिट करना पड़ता है जिस कारण से हिस्टामाइन रिलीज रिड्यूस हो जाता है देन एड्रेनलिन रिसेप्टर बीटा रिसेप्टर्स अल्फा रिसेप्टर्स इसके हेल्प से जो ड्रग वर्क करती है वो एड्रेनलिन होती है नॉन एड्रेनलिन होती है कॉलिनर्जिक रिसेप्टर्स होते हैं लाइक मस्करेनिक रिसेप्टर्स निकोटेनिक रिसेप्टर्स हम जिसको सेम्फेथोमायमेटिक्स और पैरा में इन दोनों को डिटेल में स्टडी करेंगे देन डोपामाइन रिसेप्टर डी वन डी टू एंड डी थ्री इस रिसेप्टर के हेल्प से हम लिवो डोपा जो होता है वो हमारी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब होता है और डोपामिन लेवल को इन्हेंस करता है इन केस ऑफ पार्किसोनिज्म लाइक दैट इंसुलिन रिसेप्टर्स इनके साथ, like साथ डायबिटीज टाइप वन डायबिटीज मेलाइटस में इंसुलिन रिसेप्टर्स इनएक्टिव हो जाते हैं जिस कारण से सॉरी टाइप टू डायबिटीज में इंसुलिन लेवल लो हो जा हो जाता है जिसके कारण से हमारे जो इस रिसेप्टर डिसटाइज हो जाते हैं तो हम जो ड्रग यूज़ करते हैं वो इंसुलिन रिसेप्टर के साथ में बाइंड होकर हमारे ग्लूकोज लेवल को बूस्ट करने में ग्लूकोज सॉरी ग्लूकोज लेवल को रिड्यूस करने में हेल्प करती है ये जो ड्रग ये थे टोटल हमारे मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन थे अब कुछ टर्मिनोलॉजी है जो हमें ये अंडरस्टैंडिंग करने में हेल्प करती है कि ड्रग रिसेप्टर के साथ में कैसे इंट्रेक्शन करते हैं तो फर्स्ट है एगोनिस्ट एगोनिस्ट ऐसे मॉलिक्यूल्स या ड्रग होते हैं जो रिसेप्टर को एक्टिवेट करते हैं और जो फिजियोलॉजिकल मॉलिक्यूल का अपना इफेक्ट देते हैं द एंटागोनिस्ट एक ऐसे रिसप्टर मॉलिक्यूल्स uh, होते हैं जो एगोनिस्ट के एगोनिस्ट uh, के एक्शन को प्रिवेंट करते हैं इनवर्स एगोनिस्ट और पार्शियल एगोनिस्ट भी सेम इसी टाइप्स के होते हैं थैंक यू